नेपाल के बिना तो संस्कृति अधूरी है ना। हमारे नेपाल से ही शालिग्राम भगवान है, हमारे नेपाल से ही पशुपति भगवान है। तो वेलकम टू नेपाल। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन नेपाल? जी पहली बार ये नेपाल आए। हाउ आर यू फीलिंग्स नाउ? बहुत गुड फीलिंग्स, बहुत सुंदर। यहाँ का नेचर, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा, यहाँ की ये सुंदर सी वादियाँ, सुंदर से पहाड़, और आप सब को देखकर दिल प्रफुल्लित हुआ। तपाईलाई नेपालको बारेमा यो भन्दा अगाडि कस्तो लाग्थ्यो, अहिले कस्तो लागिरहेछ? नेपाल इससे पहले भी नेपाल में बहुत ऐसे बड़े बड़े योग्य हुए, लेकिन आप पहली बार एक कोटी होम में आए हैं, ऐसा क्या हुआ जो आप पधारे हैं? आप सबका आशीर्वाद और आप सबका दर्शन, मेरे को लिखा था तो आप सबका दर्शन करने पहुंचा हूं। भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन होने वाला है कुछ ही देर में, क्या कहना चाहते हैं? जब कोरोना लगा ना, उसके पहले यहाँ एक कथा थी और टिकटें सारी बुक हो चुकी थी, हम लोग बिल्कुल आने वाले थे। अचानक लॉकडाउन लग गया, फ्लाइटें कैंसिल हो गई, तो वो कथा यहाँ होने वाली थी लॉकडाउन के टाइम पे। तब शायद भगवान पशुपतिनाथ जी का मन ना रहा हो, लेकिन अब इस दास को उन्होंने बुलाया है, तो यहीं से प्रभु को प्रणाम करते हैं। आज सब आपका प्रवचन सुनने के लिए आतुर है, लेकिन आपका समय बहुत छोटा है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं भक्त लोगों को, क्या कहते हैं? मुझे अचानक ही सूचना मिली कि नेपाल चलना है, और बहुत कम समय में, आज का ही समय था, कल से पुनः वृंदावन में कथा है, तो आज ही था समय। तो एक डेढ़ घंटे जो आप सबकी सेवा होगी, वो एक डेढ़ घंटे में ही आप सब खूब चार्ज हो जाएंगे निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, धन्यवाद। वहाँ ल्याउन यहाँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुने परम पूज्य हाम्रो यहाँको नेपालकै चर्चित धर्मगुरु विद्वान गुरु चैतन्य कृष्णजी महाराज र म मिलेर यो सल्लाह गरिसकेपछि गुरुदेवले नकार्नु भएन, म नेपाली प्रति, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ प्रति, भगवान प्रति उहाँको श्रद्धा सुमन भएको हुनाले, अत्यन्तै सम्मान भएको हुनाले, म नेपाल एक दिनको लागि भए पनि आफ्नो अति व्यस्तताको समय रातारात वृन्दावनबाट दिल्ली आएर बिहानको फ्लाइटमा उहाँको यहाँ आज सवारी भयो। यसले साँच्चैकै सम्पूर्ण भारतीय पर्यटकहरूको लागि पनि, उहाँको त 50 करोडौँ फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, 50 लाख फलोवर्स फेसबुक पेजमा, युट्युबमा करोडौँ सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, भारतबाट चाहिँ तीर्थयात्रीहरू ल्याउनको लागि अहम भूमिका हुन्छ र धार्मिक पर्यटन बढ्नेछ। महाराष्ट्रको आगमनले एउटा चाहिँ साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ अब तपाईँले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ, यतिखेर भारतका चर्चित कथावाचक यतिखेर अनिरुद्राचार्य शिरजी महाराज यतिखेर काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी भक्तहरूले उहाँलाई यो भव्य स्वागत गरिरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामी यतिखेर पशुपति महायज्ञमा उहाँको आगमन हुन लागेको हो। तपाईँलाई नेपालमा स्वागत छ गुरु, वेलकम टु नेपाल। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन नेपाल? जी पहली बार ये नेपाल आए। हाउ आर यू फीलिंग्स नाउ? बहुत गुड फीलिंग्स, बहुत सुंदर यहाँ का नेचर, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा, यहाँ की ये सुंदर सी वादियाँ, सुंदर से पहाड़, और आप सब को देख कर दिल प्रफुल्लित हुआ। तपाईँलाई नेपालको बारेमा योभन्दा अगाडि कस्तो लाग्थ्यो, अहिले कस्तो लागिरहेछ? नेपाल बहुत अच्छा है, हमारे नेपाल से ही शालिग्राम भगवान है,
हमारे नेपाल से ही पशुपति भगवान हैं, तो नेपाल के बिना तो संस्कृति अधूरी है ना। इससे पहले भी नेपाल में बहुत ऐसे बड़े बड़े यज्ञ हुए, लेकिन आप पहली बार एक कोटी ओम में आए हैं, ऐसा क्या हुआ जो आप पधारे हैं इधर? आप सबका आशीर्वाद और आप सबका दर्शन, मेरे को लिखा था तो आप सबका दर्शन करने पहुंचा हूं। भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन होने वाला है कुछ ही देर में, क्या कहना चाहते हैं? जब कोरोना लगा ना, उसके पहले यहाँ एक कथा थी और टिकटें सारी बुक हो चुकी थी, हम लोग बिल्कुल आने वाले थे, अचानक लॉकडाउन लग गया, फ्लाइटें कैंसिल हो गई, तो वो कथा यहाँ होने वाली थी लॉकडाउन के टाइम पे। तब शायद भगवान पशुपतिनाथ जी का मन ना रहा हो, लेकिन अब इस दास को उन्होंने बुलाया है, तो यहीं से प्रभु को प्रणाम करते हैं। आज सब आपका प्रवचन सुनने के लिए आतुर है, लेकिन आपका समय बहुत छोटा है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं भक्त लोगों को, क्या कहते हैं? मुझे अचानक ही सूचना मिली कि नेपाल चलना है, और बहुत कम समय में, आज का ही समय था, कल से पुनः वृंदावन में कथा है, तो आज ही था समय, तो एक डेढ़ घंटे जो आप सबकी सेवा होगी वो एक डेढ़ घंटे में ही आप सब खूब चार्ज हो जाएंगे निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद पत्रकार साथी, तपाईँले देख राख्नु भएको छ यतिखेर भारतका चर्चित कथावाचक श्री अनिरुद्रचार्यजी महाराज यतिखेर नेपालको यो आगमनलाई देखिरहेका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँ आउनुभएको छ र पशुपति दर्शनसँगै पशुपतिनाथको दर्शनसँगै पशुपतिमा चलिरहेको महा यज्ञमा पनि उहाँले आफ्नो प्रवचन दिने, आफ्नो कथा वाचन गर्ने भनेर जानकारी पाएका छौँ। अन्य गुरुजीहरूभन्दा र उहाँलाई ल्याउन यहाँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुने परम पूज्य हाम्रो यहाँको नेपालकै चर्चित धर्मगुरु विद्वान गुरु चैतन्य कृष्णजी महाराज र म मिलेर यो सल्लाह गरिसकेपछि गुरुदेवले नकार्नु भएन, म नेपाली प्रति राष्ट्रदेव पशुपतिनाथप्रति भगवान्प्रति उहाँको श्रद्धा सुमन भएको हुनाले, अत्यन्तै सम्मान भएको हुनाले, म नेपाल एक दिनको लागि भए पनि आफ्नो अति व्यस्तताको समय रातारात वृन्दावनबाट दिल्ली आएर बिहानको फ्लाइटमा उहाँको यहाँ आज सवारी भयो, यसले साँच्चैकै सम्पूर्ण भारतीय पर्यटकहरूको लागि पनि उहाँको त 50 करोडौँ फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, 50 लाख फलोवर्स फेसबुक पेजमा, युट्युबमा करोडौँ सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, भारतबाट चाहिँ तीर्थयात्रीहरू ल्याउनको लागि अहम भूमिका हुन्छ र धार्मिक पर्यटन बढ्नेछ। महाराष्ट्रको आगमनले एउटा चाहिँ साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ अब 1 अर्ब 40 करोड हिन्दूहरू भएको भारतमा, जनता भएको भारतमा चाहिँ उहाँको प्रचारले चाहिँ ठुलो भूमिका छ। धन्यवाद, धन्यवाद। कुराहरूको पनि पाना खुलेको छ, असम्भव पनि सम्भव सत्य भएको छ भनेर आफ्टर द कन्भर्सेसन अफ इस्टर्न फिलोसफी सम अफ द आइडियाज अफ क्वान्टम फिजिक्स दट ह्याड सिम्स सो क्रेजी सडनली मेड मच मोर सेन्स भनेर बताउनु भएको छ। र यो नेपाल विश्वको हिमालयको भूमि, पशुपतिनाथको भूमि, ऋषि महर्षिहरूको पवित्रतम भूमि भएको हुनाले त्यो द रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस, संसारभरबाट आध्यात्मिक साधनाका लागि सर्वोत्कृष्ट भूमि भनेर संसारबाट अनेकौँ श्रद्धालुजनहरूको यहाँ आगमन हुने गर्दछ। देवभूमिको विकास आध्यात्मिक पर्यटनबाट गर्नुपर्छ, आध्यात्मिक पर्यटन बाहेकको अर्को पर्यटनले हाम्रा मातृशक्तिको गरिमा रहँदैन, देह व्यापार गरेर आमा दिदीबहिनीहरूको शरीरलाई बेचेर हुने पर्यटन हाम्रो जगत जननी माता पार्वती र जगत जननी श्री जानकीजीको भूमिका लागि चाहिँदैन, त्यसका लागि हामी सबैले देशलाई वैदिक पर्यटकीय आध्यात्मिक शक्तिको केन्द्र बनाउनका लागि हामी समस्त व्यक्तिहरू सचेत भएर राष्ट्रले पनि योजना आयोगले तत्त्वत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ। आज पूज्य महाराज श्रीकै अमूल्य वाणी हामीले लामो समय सुन्नेछौँ, म स्वागत गर्न मात्रै आएको छु, म लामो बोल्दिनँ किनकि यहाँ आएर 2 घन्टा बोलेर गइसकेको छु। महाराजी मैं 2 घन्टा पहले बोल चुका हूँ आकर के, केवल आपके सम्मान के लिए, आपके स्वागत के लिए मैं बहुत दूर से गंडकी नदी जहाँ उत्तर वाहिनी होकर के बहती है, जहाँ मार्कंडेय ऋषि की जन्मस्थली है, वहाँ से भगवान राघव ने जहाँ आकर के तप किया और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों ने जहाँ तप करके भगवान राघव से आशीर्वाद प्राप्त किया, उस स्थान से 3 घंटा गाड़ी में यात्रा और फिर पोखरा से आकाश मार्ग से यहाँ आपके सान्निध्य में पहुँच गया हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, तह दिल से हृदय से आपका स्वागत करते हुए वाणी को विराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवादाः श्रीमद्भ्यः चैतन्यकृष्णमहाभागेभ्यः, ते आगत्य अस्माकम् अत्र स्वामिनां सम्माननं कृतवन्तः, स्वागतं कृतवन्तः, तेषां कृते पुनः पुनः अपि धन्यवादाः। अधुना
समादरणीय भक्त श्रद्धालु भक्तजनहरु अब भने छोटो आसन ग्रहण को लागि मैले जोड्न चाहे जयन्ती देवी रावजी जो कि भोजपुरबाट हुनुहुन्छ राष्ट्रीय सभामा आबद्ध हुनुहुन्छ सांसद हुनुहुन्छ वहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ वहाँलाई मैले आसन ग्रहण गर्नको लागि